आ गया है सितंबर का महीना और हमारे अपकमिंग कास्ट का एक नया एपिसोड। इस महीने भी हम काफी एक्साइटिंग लॉन्चेस देखने वाले हैं, जैसे कि दो नई हाइब्रिड गाड़ियां आने वाली है और उसी के साथ महिंद्रा की एक ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं हम सितंबर के महीने में कौन सी गाड़ियां देखने वाले हैं इस वीडियो में। टोयोटा अपनी हाई राइडर एसयूवी को इस महीने में लॉन्च कर देगी। ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी है जो जाएगी क्रेटा और सेल्टोस जैसे एसयूवीज के मुकाबले में, लेकिन हाई राइडर के साथ आपको 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाला हाइब्रिड सिस्टम और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा, जो इस सेगमेंट के लिए यूनिक है। मारुति सुजुकी भी अपनी हाइब्रिड एसयूवी को मिड सेप्टेम्बर के आसपास लॉन्च कर देगा। वैसे तो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर सेम ही है, लेकिन इनकी स्टाइलिंग जो है वो थोड़ी सी अलग है और वेरिएंट ऑफ फीचर्स में भी हल्के डिफरेंसेस है, और इस पे भी आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव का सुख मिलेगा। वैसे तो हमने ग्रैंड विटारा एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव ऑलरेडी कर लिया है, तो अगर आपको हमारे ओपिनियंस और हमारा रिव्यू जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। महिंद्रा अपनी पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी को इंडिया में लॉन्च करने वाला है सितंबर 8 के आसपास। वैसे तो एसयूवी 400 ईवी बेस्ड रहेगा एसयूवी 300 पे, लेकिन वो रहेगी 200 मिलीमीटर बड़ी। व्हील बेस और केबिन स्पेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसका जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसयूवी 400 ईवी देगी 400-450 किलोमीटर के आसपास का क्लेम्ड रेंज, जो डालेगी इसको टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के कड़ी टक्कर में। महिंद्रा एसयूवी 300 स्पोर्ट्स को लॉन्च कर सकता है इस महीने में। ये रहेगा नया टॉप एंड वेरिएंट और इसके साथ आपको मिलेगा एक मोर पावरफुल 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। जहाँ पे एसयूवी 300 पेट्रोल बनाती है 110 हॉर्स पावर, एसयूवी 300 स्पोर्ट्स बनाएगी 130 हॉर्स पावर। वैसे तो आपको स्टाइलिंग और फीचर्स में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, बस थोड़े से स्पोर्टी अपग्रेड्स मिल सकते हैं, जैसे कि रेड एक्सेंट्स अंदर और बाहर और डिफरेंट बैजिंग। ह्यूंडई इस महीने अपनी दूसरी एनलाइन मॉडल लॉन्च करने वाला है, जो है वेन्यू एनलाइन। वैसे तो ये आएगी सेम 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जो आपको रेगुलर वेरिएंट्स पे मिलता है, लेकिन i20 N-Line की तरह इसका स्टेयरिंग, सस्पेंशन और इसका जो एग्जॉस्ट नोड है उसमें थोड़े से बदलाव होंगे, और इसी के साथ हम एक्सपेक्ट करें थोड़े से स्पोर्टी कॉस्मेटिक अपग्रेड्स अंदर बाहर भी मिलेंगे। किया सोनेट को सितंबर के महीने में एक्स लाइन ट्रीटमेंट मिलने वाला है, जो रिसेंटली आया था सेल्टोस पे भी। ये एक्स लाइन एडिशन सोनेट के टॉप एंड वेरिएंट पे बेस्ड रहेगा और इसके साथ आपको थोड़े से एक्सटीरियर विजुअल अपग्रेड्स आ जाएंगे जो इसे ज्यादा स्पोर्टी बनाएंगे, जैसे कि मैट पेंट फिनिशेस। हमें वैसे फीचर्स या इंजन में कोई चेंजेस तो एक्सपेक्टेड है नहीं। तो यही थी सारी गाड़ियां जो हम देखने वाले हैं सितंबर के महीने में। इनमें से आप कौन सी गाड़ी के लिए रुके हैं बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले, और अगर आपके कोई भी पहचान वाले को नई गाड़ी लेनी है इस महीने में उन्हें भी ये वीडियो दिखाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।